खबर आ रही है, बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने एक बार फिर से बगावती तेवर दिखाए हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने जेडीयू के नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ की है। बीजेपी सांसद है शत्रुघ्न सिन्हा पटना साहिब से। अभी हाल ही में उन्होंने नरेंद्र मोदी की पीएम उम्मीदवारी पर सवाल उठाए थे और अब उन्होंने नीतीश कुमार की तारीफ कर दी है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है, यानी कि नीतीश कुमार में पीएम बनने की क्षमता है, वो पीएम पद के उम्मीदवार हैं। शत्रुघ्न सिन्हा इससे पहले भी कई बार बागी तेवर बीजेपी के अंदर दिखा चुके हैं, लेकिन नीतीश कुमार की खुलकर तारीफ शायद उन्होंने पहली बार की है। इसे कई मायनों से जोड़कर देखा जा रहा है कि क्या शत्रुघ्न सिन्हा अब आगे भविष्य में अपनी कुछ नई दिशा तलाश रहे हैं, नया रास्ता तलाश रहे हैं। इस तरीके से इस पूरे बयान को देखा जाए, इस तरीके से इसे जोड़ा जा रहा है। शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी के सांसद, हमारे साथ इस वक्त अमिताभ ओझा हमारे संवाददाता इस पर जुड़ चुके हैं। अमिताभ, शत्रुघ्न सिन्हा के इस बयान को कैसे देखा जाए? पहले नरेंद्र मोदी के पीएम उम्मीदवारी पर सवाल उठाते हैं, अब नीतीश कुमार की तारीफ कर रहे हैं। जी बिल्कुल, पिछले सप्ताह जब शत्रुघ्न सिन्हा पटना में आए थे तो उन्होंने खुले तौर पे कहा था कि नरेंद्र मोदी के लिए दिल्ली दूर है, यानी कि उन्होंने सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी पे हमला बोला था। हालांकि इस बात से कहीं उन्होंने इंकार किया था कि मुझे पद जो भी संगठित फेरबदल जो हुआ है उसमें उन्हें दूर रखा गया है, बोले कि मुझे पद की लालसा नहीं क्योंकि मेरा कद बड़ा है। लेकिन उसके बावजूद जब वो पिछले दफा जो पटना आए थे उन्होंने मुख्यमंत्री से नीतीश कुमार से जाके मुलाकात की थी और बाद बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रिया थी कि कार्रवाई होगी, और जिसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा था कि बागी अगर सच बोलना अगर बागी है तो मैं बागी हूँ। तो निश्चित तौर पर कहा जाए कि ये जो तेवर अपनाया है और जिस सप्ताह आज आते के साथ उन्होंने फिर जो कहा है जैसे नीतीश कुमार की तारीफ की, कहीं ना कहीं एक अपना संकेत दिया है, तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में उनके रुख को स्पष्ट करेगा। साथ ही जो जिस तरह से नीतीश कुमार ने भी पिछले दिनों बड़ाई किया था, उन्होंने कहा था कौन से मेरे पुराने संबंध रहे हैं, अच्छे कलाकार रहे हैं और जब आते हैं मुझसे मिलते हैं, इन्होंने भी अपना रुख का इजहार किया था। तो निश्चित तौर से कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में जो शत्रुघ्न सिन्हा का फेवर है, और इससे पहले भी जब भी वो नाराज हुए हैं जो कभी हालांकि अमिताभ क्या अंदर खाने जेडीयू और शत्रुघ्न सिन्हा के बीच मेलजोल बढ़ रहा है? कहीं ना कहीं इसमें एक बात तरह की साफ लगती है कि जिस तरीके से सांगठनिक फेरबदल में नरेंद्र मोदी के टीम में शत्रुघ्न सिन्हा को शामिल नहीं किया गया, स्टार प्रचारक होने के बावजूद उन्हें प्रचार से दूर रखा गया या फिर दूर रखा जाता रहा, तो इसको लेके भी कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी साफ झलकती है। और ये नाराजगी पटना की बात करें तो बिहार में आकर उन्होंने नीतीश कुमार के समर्थन में अगर बात कर रहे हैं, जब तमाम बीजेपी नेता उनके विरोध में बोल रहे हैं, पार्टी का स्टैंड है नीतीश कुमार के खिलाफ करना, इसके बावजूद उनके पक्ष में अगर बोल रहे हैं तो सीधा सीधे तौर पर देखा जा सकता है। कहीं ना कहीं बीजेपी के नेताओं की तरफ से शत्रुघ्न सिन्हा के इस बयान के बाद क्या प्रतिक्रिया सामने आती है? बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ हमारे साथ जुड़ने के लिए।